तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Vivo के X70 Pro के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे BGMI का, बिकॉज इसके अलावा हमने कैमरा रिव्यू यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल करा दिया है, वो आप जगह चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन 47,000 की कीमत में MediaTek Dimensity 1200 इस फ़ोन में आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है कि इस प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्नैपड्रैगन वगैरह होना चाहिए था। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कि क्या परफॉर्मेंस आपको जो है गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है फ़ोन के अंदर, और जो है आप गेम प्ले करते हैं ज़्यादा देर तक तो बैटरी यहाँ पर कितना कंज्यूम करता है, ये वो चीज़ भी आपके सामने शो करने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो है हम बैटरी परसेंटेज और आपके सामने जो है मैं टेम्परेचर फ़ोन का शो कर देता हूँ कि कितना आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें टेम्परेचर की, तो आप देख सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस आपको जो है यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। वेरी करता है आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, बिकॉज यहाँ पर हमने बिल्कुल नॉर्मल रूम के अंदर यहाँ पर इसको प्ले करने वाले, अगर आप एयर कंडीशन वगैरह में करेंगे तो थोड़ा सा और भी लाइटली डिफरेंस आपको टेम्परेचर में देखने को मिल जाएगा। और बैटरी लेवल जो है आपको 35% यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप ऊपर भी दे सकते हैं 35% आपका बैटरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर टेम्परेचर और बैटरी परसेंटेज देख लिया है, अब हमें टाइमर सेटिंग भी हमने 0 पर सेट कर ली है। 30 मिनट तक हम यहाँ पर गेम प्ले करेंगे डिफरेंट गेम के सेटिंग्स पर, उसके सामने आप रिजल्ट निकल कर आता है कि कितना यहाँ पर जो है हमारा टेम्परेचर यहाँ पर मोबाइल जो है हीट होता है या नहीं होता है, और बैटरी कितनी ड्रेन होती है, गेम के अंदर कितने फ्रेम ड्रॉप वगैरह होंगे वो भी आपके सामने बिल्कुल क्लियरली शो हो जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। सो जैसा कि दोस्तों हमारा यहाँ पर गेम जो है स्टार्ट हो चुका है, हम आ चुके हैं मेन होम स्क्रीन के ऊपर। तो आपके सामने पहले मैं यहाँ पर सेटिंग्स दिखा देता हूँ, आपकी ग्राफिक सेटिंग यहाँ पर कितनी आपको वेरी करती है फोन के अंदर। तो यहाँ आप जाते हैं सेटिंग के ऑप्शन में, और ग्राफिक में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर सारे मोड्स हैं। आप यहाँ पर स्मूथ में एक्सट्रीम सेटिंग तक जो है गेम प्ले कर सकते हैं, और उसी के साथ अगर बात करूँ यहाँ पर दूसरे मोड जो है बैलेंस में भी आप अल्ट्रा तक जा सकते हैं, और जब से जो लास्ट सेटिंग है आपकी HDR पे आप अल्ट्रा सेटिंग पे जाकर गेम प्ले कर सकते हैं। अल्ट्रा HDR वाला ऑप्शन में आपको दिख जाता है दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन योर डिवाइस सून, मतलब यहाँ पे HDR और अल्ट्रा तक आपका डायरेक्ट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हम जो गेम प्ले करने वाले हैं वो स्मूथ सेटिंग पे रखकर एक्सट्रीम पर यहाँ पर गेम प्ले करेंगे। फ्रेम ड्रॉप वगैरह जितनी भी चीज़ें वो भी चेक हो जाएगी इससे, और यहाँ पर कितना स्मूथ आपका गेम प्ले होता है वो चीज़ आपके सामने दिख जाए। तो यहाँ पर गेम मैंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर टाइमर को भी हमने स्टार्ट कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आपको चीज़ देखने को मिलती है आधे घंटे। Thank you.
और यहाँ पर जो है 38 मिनट यहाँ पर हमने गेम प्ले किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन डिनर का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके बाद बैटरी ड्रेन कितना हुआ है आपके सामने ये शो कर देते हैं और उसी के बाद जो टेम्परेचर है आपका वो कितना है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 21% पे हमारा जो बैटरी है वो आ चुका है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो वही जो हमने 30 मिनट्स पर चेक किया था 40 to 39 के बीच में, वही चीज़ अभी यहाँ पर इतना ही डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर रहा है, मतलब फ़ोन थोड़ा सा हीट हुआ है यहाँ पर। बिकॉज आप जितना जितना बैटरी के डाउन साइड पर जाते हैं उतना फ़ोन थोड़ा सा हीट करता है, 100% बैटरी रखते हैं तो थोड़ा सा बैटरी इतनी ज़्यादा ड्रेन नहीं होती है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। और अगर बात करें तो 40 मिनट्स के बाद यहाँ पर जो है हमने 36 पे स्टार्ट किया था, 21% पे आए हमने, तो यहाँ पर 16% बैटरी जो हमें ड्रेन 40 मिनट्स के अंदर। तो ये चीज आपके सामने है और बाकी हीटिंग वगैरह का जो इशू है वो इतना ज्यादा आपको देखने को मिलता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 फोन के अंदर दिया है, इसकी हेल्प से भी गेम प्ले वगैरह आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा कंटिन्यूसली हैवी करते हैं तो इतना ज्यादा गेम प्ले आपको थोड़ा सा जो है अगर लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं आप तो थोड़ी सी समस्या है इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन बैटरी ड्रेन वगैरह आपको यहां पर जो है नॉर्मल यूजेज में गेम प्ले करेंगे तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप ये फोन में आपको देखने को मिल जाएगा।